फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, ये भी ऑफिशियल ट्रेलर है, लेकिन ये पहले की मूवी का ट्रेलर है और इस मूवी का नाम है ठाकरे ऑफिशियल ट्रेलर। यानी ये बाला साहेब ठाकरे पर ही ये फिल्म आधारित है थी, और ये 3 साल पहले की है फ्रेंड्स, और ये भी सजेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स। तो आइए, बाला साहेब ठाकरे जी की ऊपर ये फिल्म बनी है और उनके ऑफिशियल ट्रेलर पे हम रिएक्शन देते हैं, उनके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। मुझे बॉम्बे शांत चाहिए। इस वक्त बॉम्बे को एक ही आदमी शांत कर सकता है। जनता का काम करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा, एक संगठन की शुरुआत करनी होगी। अपनी सेना होगी सेना, जय शिवाजी महाराज का नाम, और कर ले शुरू। अरे, भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बन के अपना हक छीनना। अगर बेलगांव का मसला हल नहीं हुआ, देश के गृह मंत्री मोरारजी देसाई को चेतावनी देते हैं। ये ठाकरे होता कौन है मुझ पर रोक लगाने वाला? मुंबई तो क्या, महाराष्ट्र की सीमाओं तक घुसने नहीं देंगे। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। पहला हक क्या के मराठे लोगों का है। आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। मैं जब भी कहता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद पहले कहता हूँ, जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में। और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। वहाँ पे तो राम मंदिर था। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। आड़ आड़ आड़। मैं सही हूँ या गलत, इसका फैसला आपने देश की जनता करेगी, क्योंकि सबसे ऊपर मैं एक ही अदालत को मानता हूँ, और वो है जनता की अदालत। जो मेरे कंधे पे है ना, वो तुम्हारा लोकतंत्र है। मैं अगर अकेला भी रह गया ना, तो लाखों लोगों को इकट्ठा करने की ताकत आज जगदम्बे ने मुझे दी है। मुंबई में हुए दंगों में भी आपका हाथ था। हाथ नहीं, पाँव था। मेरा विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा, और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बाल केशव ठाकरे। सरकारी जावेद में अंदर डाले। दोनों मुल्कों में फिर से क्रिकेट मैच शुरू हो जाए तो हालात और भी सुधरेंगे। आपका सिक्सर याद है मुझे, एक्सेलेंट शॉट। आपकी बैटिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिवारों का दुख दर्द भूल सकूं। हाँ, फिल्म पहली बात के मैंने बोला है मराठी में है, तो ये मराठी में नहीं है फ्रेंड, ये हिंदी में फिल्म है। और ये फिल्म जरूर देखूंगी मैं टीवी में। हाँ, मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर देखूंगी, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी है और हिंदी में है, तो हम लोगों को समझ में आएगी फ्रेंड्स। दूसरी बात है कि बाला साहेब ठाकरे जी जो थे ना फ्रेंड्स, उनको उनके आलोचक भी, मतलब बहुत लोग जो उनको गुंडे कहते थे, हाँ, लेकिन फ्रेंड्स बहुत देशभक्त तो आप भी है, मैं भी हूँ। किसी की देशभक्ति पे हम शक नहीं कर सकते हैं, या उसका कोई तराजू नहीं है, हम तोल नहीं सकते। लेकिन बहुत से लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, उनकी देशभक्ति क्या है ना फ्रेंड्स, मतलब उनके लिए देश सर्वोपरि होता है। तो वो लोग क्या है ना, वो आगे आके बदलाव करना चाहते हैं। वैसे लोगों में से ही थे ये बाला साहेब ठाकरे जी, जो आगे आके बदलाव करना चाहते थे। और हम आप लोग क्या है ना, देश, जैसे मैंने बोला, हम भी हमारे देश से प्यार करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग क्या है ना, हमारा प्यार हम अपनी सीमा तक रखते हैं। और बहुत से लोग जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो सीमा पार करते हैं, तभी मतलब ऐसे
भव्य व्यक्तित्व बनता है उनका। और बाला साहेब ठाकरे जी जो थे ना फ्रेंड्स, वो इन लोगों में से थे। और दूसरी बात है फ्रेंड्स के जैसे बाला साहेब ठाकरे में इसमें कहा फ्रेंड्स के मतलब ये रियल स्टोरी है, तो बोले कि मैं जय हिंद से पहले वो मतलब जय महाराष्ट्र बाद में बोलता हूँ, जय हिंद पहले बोलता हूँ, यानी वो फ्रेंड देश से प्यार करते थे क्योंकि वो महाराष्ट्र से भी प्यार करते थे और अपनी मातृभूमि से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन वो देशभक्त भी थे फ्रेंड्स, क्योंकि वो हमेशा से है ना फ्रेंड्स, वो हम लोगों को ये बात वो बड़ी दुख की बात है कि हम लोगों को ये समझाने में वो हमेशा प्रयत्न करते रहे कि आप मतलब जब तक सीमा पे हमारे फौजियों की जाने जा रही है तब तक पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड ये बात हमको उनकी मृत्यु के बाद समझ में आई है, क्योंकि मैं बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में मैंने 2-3 वीडियो बनाया है और दो तीन वीडियो में मैंने ये मेंशन किया है फ्रेंड्स कि उनकी ये बात जो थी ना वो सोलाना सही थी कि मतलब जब तक सीमा पर आतंकवाद है, और सीमा आतंकवाद तो घर में ही घुस गया था, काफ़ी हमारे देश में भी आतंकवादी हमले हुए हैं जिसमें नाम आया है पड़ोसी का, और हमारे आए दिन फ्रेंड फौजियों की जाने जाती है सरहद पे, तो जब तक वो चल रहा है तब तक उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए क्रिकेट का, और क्रिकेट का तो नहीं होना ही नहीं चाहिए, और जो उनके कलाकार वगैरह आते थे बन वो जैसे मैं बोली ना उनके मृत्यु के बाद हमको ये बातें समझ में आई और आज हम उनसे पूरे कट ऑफ है, ये सब रिलेशन हमारे नहीं है फ्रेंड्स। और जैसे मैं बोली फ्रेंड फिल्म बहुत अच्छी होगी, और बाला साहेब जैसे व्यक्ति थे ना फ्रेंड्स, वो उनके बारे में जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था तो मैं बोली थी फ्रेंड्स कि आपको है ना कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे ना कि बिना पावर उन्होंने ये शिवसेना का संगठन खड़ा किया फ्रेंड्स, और बिना पावर वो फ्रेंड्स वो महाराष्ट्र को उनका एक शब्द पूरा महाराष्ट्र को हिला देता है फ्रेंड्स, और इनकी उतनी ही इज्जत और प्यार पूरे देशवासी उनसे करते हैं फ्रेंड्स। वो आज भी जिंदा है हमारे दिलों में, बाला साहेब ठाकरे का मतलब नाम ही काफ़ी है, मेरे को तो बहुत पसंद थे फ्रेंड्स। जब वो गुजर गए ना तब मैं बॉम्बे में ही थी फ्रेंड्स 2012 में, हाँ तब मैंने देखा था उनकी अंतिम यात्रा में फ्रेंड्स, पूरा महाराष्ट्र उमड़ पड़ा था, मैं तो बोलूँगी महाराष्ट्र बाहर से भी लोग आए थे, तो ये उनका प्यार था फ्रेंड्स। आपके जीवन भर तो सब साथ चलेंगे लेकिन आपके मृत्यु के बाद अगर आपका कोई अंतिम यात्रा में इतनी भीड़, तो फ्रेंड वो उनकी सही दिशा और उनकी लोकप्रियता वो साबित करती है फ्रेंड्स। और है ना फ्रेंड्स, बाला साहेब ठाकरे जी की एक बात तो बहुत अच्छी थी कि वो जो अपने मन में है ना वो बेधड़क मुंह पे वो बोलते थे फ्रेंड्स, तो ये बात है ना बहुत कम लोगों में होती है, और ये बात जिन जिन लोगों में होती है ना फ्रेंड्स, इतिहास उन्होंने ही लिखा है फ्रेंड्स, इतिहास में वो हमेशा अमर हो गए हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे थे हमारे बाला साहेब ठाकरे, ये फिल्म भी बहुत अच्छी हो गया, ये मैं ज़रूर देखूंगी मेरी टीवी में। हाँ तो आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पता है मेरे सब्सक्राइब ही नहीं हो रहे, आप लोग नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करें फ्रेंड और वीडियो पूरी देखें। तो अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी मेरे मनपसंद व्यक्ति की वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।